अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं अब्दुल्ला मॉल। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि वहाँ जाके मैं व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे जो है इतना टाइम नहीं मिल रहा था। दो तीन दफ़ा मेरा जाना हुआ लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें लेनी थी चेज़ स्टोर से, उसके अलावा भाई को भी कुछ जो है चीज़ें लेनी थी, तो हमने सोचा कि रात को देर से जाएँगे, रश भी नहीं होगा और आराम से मैं वीडियो भी बना लूँगी और आउटिंग भी हो जाएगी और वापसी में हम चाय भी पीते आएंगे। ठीक है जी, तो अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जी इनकी एंट्रेंस की दो गेट हैं। हम ये सामने वाले जो गेट है इसमें से जो है हम एंटर हुए और ये जी इनका बेसमेंट है और यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स थी इनकी, लेकिन कुछ बंद भी हो चुकी थी। आई थिंक हम देर से आए थे इस वजह से। यहाँ पे अभी तक जो है तकरीबन एक साल हो चुका है इसको ओपन किए हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ब्रांड की शॉप यहाँ पे नहीं थी। और पिज़्ज़ा हट भी था यहाँ पे, लेकिन वो भी अभी तक ओपन नहीं हुआ था। और उसके अलावा बाकी तो हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मज़े की बात ये कि सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे चल रहे थे, तो मज़ा भी आ रहा था, रश भी इतना नहीं था। और ये रास्ता जो है ऊपर को जा रहा है चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पर भी मैं जाऊँगी, उसके अलावा फूड कोर्ट पर भी जाऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे भी बच्चों के लिए जो है प्ले एरिया था, लेकिन यहाँ पे पिज़्ज़ा हट था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, अभी तक उनका जो है शॉप बंद था। अगर ये सब कुछ ओपन हो जाए ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत सारी वैरायटी हर चीज़ की, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा जी यहाँ पे कुछ फर्नीचर की शॉप थे वो भी बंद हो चुके थे, या फिर हम आई थिंक लेट आए थे इस वजह से। बाकी जो इनका चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, क्रॉकरी मिल जाएगी, ग्रॉसरी मिल जाएगी। और इसके अलावा बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, जेंट्स की है, लेडीज़ की भी, कपड़ों के हिसाब से मुझे इतना ख़ास वो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी बैग्स वगैरह सब की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और जी यहाँ पे इनकी जो है सईद गनी की शॉप भी थी, और मैं काफ़ी जो है सईद गनी के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वो ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, तो मुझे वो वाली चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ शैम्पू और हेयर स्प्रे वगैरह ली थी। ठीक है जी, अभी हम जा रहे हैं चेज़ स्टोर, और ये एरिया जो था ना बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। ठीक है जी, तो अब जी हम चेज़ स्टोर में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो इनका पोर्शन है ना, ये है ग्रॉसरी का। यहाँ पे आपको जो है हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ की वैरायटी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी रीज़नेबल थी। और उसके अलावा जो जामशोरों में रह रहे हैं या जो फिर हैदराबाद से थोड़ा बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, खाने पीने के अलावा ग्रॉसरी भी अच्छी मिल जाएगी, और वैरायटी तो बहुत ही ज़बरदस्त थी ना, हर चीज़ की वैरायटी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ग्रॉसरी में वैरायटी थी, हर चीज़ में वैरायटी बहुत अच्छी थी। मतलब प्राइजेस भी इनकी जो है रीज़नेबल प्राइजेस थी, और कुछ हाई क्वालिटी की जो चीज़ें थी उनकी प्राइजेस थोड़ी हाई थी, तो आप पे डिपेंड करता है, जो आप अफोर्डेबल आपको लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ पे कप्स पड़े हुए थे और कप्स देख के मुझे चाय याद आ गई, और आप लोग को तो पता है चाय हमारा सस्ता नशा है। तो खैर अभी जो है मैं दो कप लेके आई हूँ पहले से ही, तो मैंने कप तो कोई नहीं लिया, बाकी जो है मैं सारी चीज़ें देख रही थी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रॉकरी है इनके पास, और हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन डिपेंड करता है आप
के ऊपर जो आप लेना चाहें, जो अफोर्डेबल हो आपके लिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की वैरायटी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब देख के भी अच्छा लग रहा था और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब आप भली ना लें लेकिन विंडो शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, तो मैं यहाँ पर वही कर रही थी कि मैंने यहाँ से लिया तो कुछ नहीं लेकिन मैं देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि ये क्रॉकरी जो है ये अभी से मुझे अच्छी लगती है, ये बचपन से ही पता नहीं क्यों मुझे जो है ना अट्रैक्ट करती थी ये सारी चीज़ें। और अब से हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी की साइड, ज्वेलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी, अच्छा ज्वेलरी की प्राइस जो थी ना बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने ज्वेलरी ली यहाँ से। उसके अलावा ये जो है कॉस्मेटिक्स भी थी इनके पास, तो यहाँ से मैंने कुछ जो है नेल पेंट ली और एक आई थिंक लिप ग्लॉस लिया था मैंने, और उसके अलावा हाँ बस ये, क्योंकि हम आए ही ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें लेने थे, लेकिन ये चीज़ें भी हमने ले ली। ठीक है जी, तो सिस्टर्स भी साथ थी तो उन्होंने भी कुछ लिया, और पर्स की वैरायटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी लेकिन मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी, आप देख लीजिएगा। और ये जो है इयररिंग्स ये मैंने लिए, और क्वीन वाले जो थे ना ये भी, इनकी प्राइस आप देखिए 149 रुपीज़ इनकी प्राइस थी, मतलब रीजनेबल प्राइस भी थी और वैरायटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। तो यहाँ से टॉप्स वगैरह जितनी भी ज्वेलरी जो है ना लाइट सी आप ले सकते हैं, और रिंग्स भी बहुत अच्छी पड़ी थी यहाँ पे, और रिंग्स के आई थिंक प्राइस थी 65 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको जो है 65 रुपीज़ में इतनी प्यारी और इतनी अच्छी जो है ना रिंग्स की कलेक्शन पड़ी हुई थी वो आपको मिल सकती है, तो आप यहाँ पर ज्वेलरी लेने लाजमी आइएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टिच शर्ट्स भी थी और अनस्टिच कपड़े भी थे, और स्टिच जो शर्ट है ना पहले कराची से हम लेते थे तो 400 इनकी प्राइस होती थी, पहले 2-3 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और अब जो थी इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, और 700 से इनकी जो है प्राइस स्टार्ट हो रही थी, और 2000 तक या फिर 3000 तक इनकी शर्ट्स की प्राइस थी। और जो ट्राउज़र पड़े थे उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, वो भी 400 से इनकी प्राइस स्टार्ट होती है। ट्राउज़र, जीन्स, टाइट्स वगैरह हर जो चीज़ थी ना उसकी वैरायटी थी इनके पास। उसके अलावा आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी थी लेकिन मैंने नहीं खाई, बिकॉज जल्दी जल्दी में हम लोग, मुझे वीडियो भी बनानी थी, अभी ऊपर भी जाना था, तो मैं ऐसे ही तरसती हुई निगाहों से आइसक्रीम को देख रही थी, और उसके बाद हम लोग ऊपर गए। अच्छा, ये सारा जो मैंने आपको दिखाया ना सारा नीचे का पोर्शन था, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर क्या क्या है। तो जी, पहले हम अब्दुल्ला मॉल में एंटर हुए, वो ग्राउंड फ्लोर था या फर्स्ट फ्लोर था मुझे इनका कुछ अंदाज़ा नहीं था। ठीक है जी, फिर हम चेज जो है स्टोर्स में एंटर हुए, वो उनका नीचे का पोर्शन था, ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों की वैरायटी बहुत 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 ज़्यादा थी, और हर चीज़ में वैरायटी थी ना, मतलब टॉयज़ में, कपड़ों में, तो आप जो है ना बच्चों की शॉपिंग यहाँ से आराम से कर सकते हैं, और अफोर्डेबल प्राइस में हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, खिलौनों से लेकर कपड़ों तक। उसके अलावा जेंट्स के भी काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास, और इनकी प्राइस आई थिंक 1300 थी, हाँ ऐसा ही कुछ था मैंने देखा था। ठीक है जी, और सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, बच्चों के आराम से आपको मिल जाएंगे, और ख़ास करके जो हैदराबाद से बाहर रहते हैं, हैदराबाद सिटी से थोड़ा बाहर रहते हैं ना, वो कमर्शियल वगैरह में दिखाते हैं ना कि हैदराबाद से सिर्फ चंद मिनट के फासलों पर जिनका घर है ना उनके लिए बहुत ही आसानी है, तो यहाँ से जो है वो आराम से पूरे घर की शॉपिंग कर सकते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद जो है मेरे घर वाले शॉपिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं ऐसे ही घूम रही थी, विंडो शॉपिंग कर रही थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों ने बहुत कुछ लिया हुआ है, मैंने तो जस्ट थोड़ी सी ज्वेलरी ली और उसके अलावा हाँ बस यही लिया था, नेल पेंट, ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने ली और कुछ नहीं लिया, बाकी मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी। अच्छा, इनके जो है ना शूज़ वगैरह, चप्पल, इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की, बड़ों की, जेंट्स की, लेडीज़ की, और इनमें जो है ना एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि सॉफ्ट में भी इनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, मतलब जैसे मैं पहनती हूँ मेडिकेटेड चप्पल या सॉफ्ट चप्पल, तो इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी थी, और इनकी प्राइस जो है 1000 से स्टार्ट हो रही थी 3000 तक। अच्छा, पहले जो मैंने जितने भी मॉल वगैरह के व्लॉग बनाए तो उनमें मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप जो है प्राइस नहीं बताती, तो इस दफ़ा मैंने सबकी प्राइस भी देखी और प्राइस भी आपको मैं बता रही हूँ। ये जो सामने चप्पल जो सॉफ्ट में पड़ी हुई है इनकी प्राइस आपको 1000 से स्टार्ट होकर 3000 तक मिलेगी, और बाकी जो ये देख रहे हैं ना फिज़ा मारिया और
फिज़ा, इनकी येलो की प्राइस जो थी ये आई थिंक 400 थी और जो रेड वाली थी ये वेलवेट वाली थी और इसकी प्राइस जो है 600 थी। तो इन लोगों ने जो है ये वाली पम्प्स जो थी ये इन्होंने ख़रीद ली। एक की प्राइस मैंने आपको बता दी, दूसरी की भी बता दी। अभी आप कमेंट में नहीं कहिएगा कि मैंने प्राइस नहीं बताई, और ये इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। 1250 इसकी प्राइस थी और ये कुर्ती थी इसकी जो है, इसका कपड़ा जो था ये खदर और कॉटन मिक्स में था, ठीक है जी, वॉशेबल था। और बाकी इनकी शर्ट्स मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी, पहले अच्छी हुआ करती थी, यहाँ पे मुझे इतनी ख़ास जो है अच्छी नहीं लगी। बाकी आप विज़िट कर लीजिएगा। और अभी जी हम लोग आए हैं, प्ले एरिया था बच्चों का, यहाँ पे गेम्स वगैरह हर चीज़ थी। और मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों के लिए क्यों, हमारे लिए भी है, हमें भी कलर्स वगैरह देख के अच्छा लगता है, लाइटिंग्स तो मुझे भी अच्छा लग रहा था ये, लेकिन गेम्स वगैरह सारी यहाँ पे बच्चों के लिए थी। ठीक है जी, उसके साथ ही ये था फूड कोर्ट। और यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे कुछ शॉप जो थी वो क्लोज़ हो चुकी थी, आई थिंक वो कुछ ऐसे ही क्लोज़ हो चुकी थी, और कुछ का जो है काम चल रहा था। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो उन लोगों ने कहा कि हम कुछ कुछ जो है सर्व नहीं कर सकते। फिर भी हमने इनका मेन्यू देखा और ये सामने कुछ शॉप थी, इनका काम चल रहा था। ये 2-3 मंथ हम पहले आए थे तो ये शॉप ओपन थी और अभी इनका काम चल रहा था तो ये क्लोज़ थी। और उसके अलावा यहाँ का जो है हमने पिज़्ज़ा भी खाया था, पिज़्ज़ा भी अच्छा था लास्ट टाइम जो हमने खाया था। और उसके अलावा मेन्यू वगैरह हमने देखा और सामने वाला जो गेट था वो क्लोज़ हो चुका था। उन लोगों ने हमें कहा कि आप नीचे से जो है ग्राउंड फ्लोर जाएं, और हमने कहा कि हमारी फैमिली आए, हमें यहीं से जाना है। फिर हमने वो गेट ओपन करवाया और यहाँ से हम लोग बाहर आए। और फिज़ा और मैं थी और अम्मी और भाई वाले वो दूसरी साइड थे, शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ पे इनका व्यू जो है दिन के टाइम बहुत ही अच्छा, रात को भी अच्छा लग रहा था लेकिन कैमरा में इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन दिन के टाइम बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ का। उसके अलावा जी आप यहाँ पे बर्थडे वगैरह भी आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसके लिए भी ये अच्छी पॉइंट है। अब जी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और अब हम लोग घर जा रहे थे। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर वालों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, मैंने तो 2-3 चीज़ें ली लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, मेरा वीडियो भी अच्छा बन गया। और यहाँ पे जी हम लोग पिघल गए और बिल्कुल एंड में दरवाजे पर मैंने ये शॉप देखी। और मुझे गोलाकंडा जो है ना बचपन से अच्छा लगता है, अरे अभी भी मैं जहाँ भी देखती हूँ ना इसकी स्टॉल तो मैं लाजमी वहाँ से गोलाकंडा लेती हूँ। अभी अम्मी मुझे मना भी कर रही थी कि तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैंने वो लिया और बहुत ही मज़े का था। और उसके बाद मैंने चाय में भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, एक चाय की पॉइंट है यहाँ पर हैदराबाद कासमाबाद में, आपने वहाँ की चाय लाजमी ट्राई करनी। आई थिंक जो हैदराबाद में रहते तो उन्होंने तो लाजमी उनकी चाय ट्राई की होगी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो पहले हमने गोलाकंडा खाया, उसके बाद जी हम लोगों ने चाय पी और बहुत ही अच्छा था। इसकी प्राइस क्या थी, इसकी प्राइस आई थिंक 120 थी, ऐसा ही कुछ था। ठीक है जी, तो हमने गोलाकंडा खाया और अब जी हम लोग जा रहे थे घर। तो रास्ते में जो है हमने चाय पी और चाय पी हमने अलमदार चौक पे। अलमदार चौक पे एक छोटा सा ढाबा है जिसका नाम है कलंदरी होटल और इनकी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे जो है ना इनकी चाय अच्छी है लेकिन इनके कप जो है ना वो छोटे हैं, तो घर में जो मेरा कप है ना बड़ा वाला उसमें ऐसे 3 कप आ जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन चाय अच्छी है, कप छोटे हैं। आपने इनकी चाय लाजमी ट्राई करनी है। मैंने तो यहाँ पे चाय ली जो कि फीकी भी थी और जिसमें इलायची भी नहीं था, बाकी जो घर वालों ने ना गुड़ वाली चाय पी उसमें इलायची भी ऐड किया। मुझे इलायची और गुड़ वाली चाय तो खैर वैसे भी अच्छी लगती है लेकिन इलायची वाली चाय। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।